आज जो है कि पालक की जो है कि और बैंगन की सब्ज़ी बनी हुई है, आलू की, और साथ रोटी बना हुआ है, सुबह का नाश्ता। दोस्तों चलिए करते हैं, हम लोग हैं धर्मराज ब्लॉग में, एक बार फिर स्वागत दोस्तों। इसी तरह सहयोग बनाए रखिएगा। नाश्ता करने के बाद दोस्तों मैं आशापुर वाराणसी गया अपनी साड़ू भाई से मिलने के लिए। चलिए चलते हैं दोस्तों आशापुर। ये पाइप वाला हो? पाइप वाला नाम भूली नहीं एक ब्रेकर लग गया। शांति हॉस्पिटल कौन सा है? शांति हॉस्पिटल मैं समझ घूमे का। अब इसे ब्रेकर यहाँ घूमल है तो यहाँ से समझ लो पेड़ तक खाई जाएगा। हाँ बस एक डबल गेट लगल है। वही से पूछना कि संजय का काम बताना बता। संजय जी का? हाँ आई जो मतलब जैसे कि कौन सा जिसका मतलब कि आपका आशापुरा रोड पर है निकलता तो है गाजीपुर रोड होकर नाम तीसरिया रोड। यह तीसरिया तीसरिया हाँ तीसरिया तीसरिया रोड तीसरा रोड है होकर नाम तीसरिया रोड होकर निकल तीसरिया रोड आशापुर अरे सार तीसरिया रोड सार। ऐसे ऐसे करा ना ऐसे पर हाथ हिलावा ऐसे। देखिए ये हमारे जो है बड़े भैया हैं और जो बड़े भैया आ जाए आशापुर मतलब अपने जो है कि वाइफ को लेकर घूमने उमने के लिए टहलने वहलने के लिए मौज मस्ती करने के लिए। तो आज देखिए यहाँ पर आशापुर में आए हैं तो यहाँ पर घूम घाम रहे हैं मस्ती ले रहे हैं तो ऐसा लग रहा है अच्छा लग रहा है ना। अच्छा हाँ तो आर टी ओ आपके सिहा रहा लेकिन आप तो खत्म हो गए। हाँ खत्म हो गए वही नाम से ही यहाँ का पहचान दिखा शांति हॉस्पिटल। हाँ पाइप वाला भगवान समय का है क्या अब उन सभी अच्छा कम से कम अरे तो तीन दिन जाए तीन दिन आवे मिले। हाँ एक हफ्ता मान लो अरे 10 दिन मान चला दिनों में 7 बजे लगा सात नत हो गए कि शादी विवाह हो रहा है। हाँ तो तार बहु हाल पूरी खाए ना। अच्छा तो तो का हालचाल मतलब कि वहाँ का बाउल तो गलन है एक बार साथ ना तो पुड़िया खाए गलन हो पुड़िया खाए वहाँ वो कम सब ठीक है बात। हाँ तभी तो सही है यासा पर चौराहा है एकदम यहाँ पर आ गए हैं हम लोग। यही जो ना सार ना चल जी रोड ये वाला जो सार ये सार नहीं सार ना जाइए यासापुर चौकी है। तो बस साल लगा नहीं चल गया तो हो अच्छा हमें लेकिन वहाँ तो बनवा हो अभी लिया अभी सब बोला भी वहाँ वहाँ बता दे करवा के गरम एकदम है कैसे है ये कैसा है भैया गुलाब जामुन बढ़िया है नहीं कड़ा आओ का बताओ देखा है दुकान ये है सारनाथ को दुकान है देख लो
कड़ा है कड़ा। देखो हम नहीं बोल रहे बेटा, तो बोल रहे। जब मैं घर वापस आया दोस्तों, तो मैंने देखा कि मैनहोल साफ करने वाली गाड़ी लगी हुई है। इसके बाद दोस्तों मैं आनंद जी से मिला, जो नाई का काम करते हैं। किसका सरकार बनेगा बताइए आप? मोदी जी का काम बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं। मोदी जी हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं तुम ना, मतलब जीतेंगे जरूर इस बार, इसमें कोई दुराय है नहीं। एक बार आप सरकार खोल रहा है मोदी जी का, एक बार, हाँ एक बार आ जाएंगे, बाकी बच्चे लोग जो है भीतर हो जाए। बहुत बच्चे हो गए, माफियन का तो अक्कल ठिकाने लगाई दिए। एक बार आवा जाएगा ना तो क्लियर हो जाएगा, पर महंगाई खाली डाउन पेड़ रहे, मोदी जी हमेशा बीत रहेंगे। बस वही सही बात कर रहे हैं, काम भी बहुत काफी करा दिए, एकदम नंबर एक का काम है, खाली महंगाई डाउन के ले रहे, कभी जिंदगी में कोई हराने वाला नहीं है इनको। अब समस्या इस बात का भी कि पेट्रोल वेट्रोल का दाम हो गया, अच्छा गैस का दाम हो गया, ये सब तो बस वही हुआ ना। अभी जब गए थे 400 रुपया मिले थे, इसमें 1000 मिले थे, लेकिन हम ये कहेंगे कि सरकार इनका ठीक है, लेकिन थोड़ा सा महंगाई डाउन कर दे, एक बार एकदम मजा आ जाएगा, जितना माफिया सब भीतर चला जाएगा। सही बात है, मोदी मोदी कोई नहीं कर सकता, किसी के पास सब 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 माफिया घुसे हैं, तो सब चोर है ना, सब चोर है उसमें। देखिए भैया आदर सर, क्या नाम है भैया आपका? बोलिए। आनंद। आनंद देखिए, ये हमारे आदर सगर के जो है यहाँ बड़ा सैलून खोले हुए हैं, और बहुत बढ़िया बाल बनाते हैं, और क्या अधिकतर लोग आते भी हैं, हम लोग भी आते हैं, अब बहुत मस्त आदमी है, मस्त मौला आदमी है। एक बार सर टाटा कर दीजिए सबको भाई, एक बार टाटा कर दीजिए हाथ से। आनंद जी से मिलने के बाद दोस्तों मैं पहुंचा आदर्श नगर पचपड़वा तुलसीपुर वाराणसी, जहां पर एक शीतला माता का सुंदर सा भव्य मंदिर बना हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं, शीतला माता का दर्शन करते हैं और मंदिर का हालचाल भी जानते हैं। जैसे सब गली एकदम ख़राब है, इतना बड़ा मंदिर बनवाए हैं लोग, शीतला माता का मंदिर देख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा मंदिर भी है नहीं इस इलाके में, इस तरह इस इलाके में मंदिर इस तरह का है नहीं। यहाँ तो ये होता है कि नगर निगम में कोई है तो भाई चुनाव होगा तब सभासद होंगे तभी। अरे तो यहाँ के जो सौरभ तिवारी जी हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, वो तो कर सकते हैं। अरे विधायक भी किए लोग गए थे साथ, तो कहे भैया अब चुनाव बाद जो है बजट आएगा तो फिर। अच्छा कौन सा स्थान है ये ग्राम सभा? तुलसीपुर मड़वाड़ी पचपड़वा में लगाता है। अच्छा तो ये गली तो चली जाती है उधर, ये आदर्श नगर में चली जाती है, आदर्श नगर इधर चला जाएगा, फाटक पर चला जाएगा, ये फाटक चला जाएगा। अच्छा तो 2020 में बहुत बढ़िया मंदिर है, देख रहे शीतला माता का मंदिर है, और इधर जो है फाटक पर रोड चला जाता है, और ये रोड चला जाता है खासतौर से आदर्श नगर में। तो ये है मंदिर आपका, खासतौर से बढ़िया बना हुआ है मंदिर। तो बाबा क्या नाम है आपका? किशोरी लाल। अच्छा तो मंदिर तो सभी लोग बनाए हैं, मतलब कितना दिन हो गया मतलब बनाए? मतलब वो लिखा है ना। अच्छा 2016 में, इसके पहले भी यहाँ मतलब 2016 तो मतलब 5 साल मान लीजिए, 5-6 साल खाली जमीन। अच्छा पहले मतलब मृत्युति नहीं था, पेड़ उड़ रहा, कुछ पूजा भी खाली पड़ा रहा। अच्छा उसके बाद 5-7 साल हो गया स्थापित करने की, बंजर भूमि में कोई यहाँ पड़ा रहा। तो ये लोगों का भावना जगह कि नहीं यहाँ मंदिर बन जाए। हाँ तो सब लोग आके अगल बगल लोग पूजा पाठ करें, में पड़ा है तो बना बिगाड़ नहीं रहा है। नहीं नहीं सही, तो मंदिर है तो ग्राम प्रधान से मिलकर के लोग अपना ये स्थान जो है कि मड़वाड़ी फाटक की तरफ भी चला जाता है रोड, और ये आदर्श नगर, और ये पचपड़वा में पड़ता है, ग्राम सभा मड़वाड़ी में पड़ता है। बहुत बढ़िया मंदिर है, और काफी लोग तब दर्शन मतलब जिससे कि अब लोग आते जाते हैं बीच में। अब भाई जिसकी भावना है पूजा पाठ तो भावना के ऊपर है, घंटा ये है। तो यहाँ रह नहीं गए आप काफी, सब बन गए बगल में है ना, ये बचा हुआ अभी। हाँ कैसा जमीन है?
इसी में है मंदिर में, मंदिर में मतलब इसको आप इसको तो मतलब इसको बाउंड्री करवा के बागीचा लगाया जा सकता है। प्रधान से कहे कि इसको पूरा धर्मशाला बना दीजिए। अच्छा, तो कहे नहीं यहाँ मिनी ट्यूबवेल गड़ेगा है ही हो, तब से परेशानी हट गई। तो मिनी ट्यूबवेल का बना आपको जो नल है वो लगवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अरे तो मतलब कि अब अगर मान लीजिए यहाँ धर्मशाला टाइप का बन जाए तो लोग छोट मोट कार्यक्रम कर सकते हैं। बात सही, तो ये भावना जन भावना जब हो तब तो। अच्छा, ये इसका क्या चाहते हैं मतलब कि यहाँ पर मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि हम तो चाहते हैं यही कि जो है कि यहाँ इसको जो है एक्वायर करके जो है इस पर जो है वो पूरा ऊपर छाव करके बन जाए, लोग पूजा पाठ नवरते जिसे करते हैं पूजा पाठ माता जी का थोड़ा छोटा बड़ा प्रोग्राम भी कर सकते हैं। हाँ, प्रोग्राम भी उस पर हो जाएगा जिसे आप भाई सब जन सहयोग हो जाएगा तो सब हो सकता है। तो यही है मथुरा से जगह बच्चा हुआ ना, ये मंदिर के मंदिर के ट्रस्ट में ही है मान लीजिए। अच्छा अच्छा, चारों तरफ बढ़िया कायदे का मंदिर बन गया है जैसा कि देख रहे हैं। बढ़िया तो है बाबा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बढ़िया है मतलब कि यह है कि इस इलाके में नहीं है इस तरह का मंदिर। वास्तव में इस इलाके में का पूरे आप घेर लेंगे पूरे। हाँ, हम तो समझते हैं पूरे इस रेंज है। लेकिन बस यही है कि गंदगी काफ़ी है, अगर गंदगी बस यही है, लापरवाही। हाँ, लापरवाही नगर निगम की या यही से बस मंदिर तो हमेशा शुद्ध रहता है, साफ हम लोग लगे रहते हैं। तो बात सही है, थोड़ा सा ध्यान लोग दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगल बगल के लोग भी रास्ता ही गड़बड़ है पहले तो, क्या कहें, पहलवान ठीक था अब गड़बड़ा गया। अच्छा अच्छा, हाँ पहलवान सही था। अच्छा, ये जो है चार महीने से ना यहाँ की स्थिति बहुत नाजुक हो गई। अच्छा, ये सीता जी का मंदिर है जिसकी देखिए कितना बढ़िया है, लोग नहीं जानते हैं। हाँ, आसपास के लोग भी तो मतलब कभी आ सकते हैं, बहुत लोग इधर रास्ते से गुजरते नहीं तो बहुत लोग कम जानते हैं, लेकिन अगर रास्ते से गुजरेंगे इधर से अगर आएंगे खासतौर से आदर्श नगर से इधर से घूम के आएंगे तो फाटक की तरफ अगर जाएंगे तो आपको जो है कि इस तरह मंदिर आपको मिल जाएगा, एकदम त्रिमुहानी पर मिलेगा मंदिर, एकदम कोने पर ही है एकदम। भाई एक तरह का यहाँ का पहचान हो गई है। हाँ, पहचान कोई कह देगा कि भैया आपको शीतला माता मंदिर जाना है, जाना है तो लोग जानते रहेंगे तो वो भेज देंगे। मंदिर वाली गली में जाना है, शीतला वाला मंदिर गली में जाना है, ऐसे तो कोई शीतला माता के मंदिर में जाना है, क्या करिए दर्शन सुन कर सकता है। लोग दर्शन करते पूजा पाठ, भाई देखिए मंदिर है तो पूजा पाठ होना जरूरी है, बराबर लोग आएंगे जाएंगे तो उसका संस्कार अलग बना होगा। पूजा पाठ जो है होना जरूरी है, भंडारा भी होता रहता है। अच्छा अच्छा, ये कोरोना की वजह से चार तीन साल से तो भंडारा हो ही नहीं रहा। हाँ, जब चार भंडारा इनका हो चुका है। अच्छा, हो चुका है। हाँ, पाँचवा। अच्छा, कौन कब कौन समय में होता है वही अगस्त भंडारा कब होता है? भंडारा कब? 15 अगस्त को जो स्थापित। अच्छा, जब स्थापित 15/8/2016। हाँ, तो 2016 में और 15/8/2022 में हो सकता है। हाँ, मान लीजिए जब भी लोग करेंगे तो मतलब अगस्त के महीने में होगा। अगस्त में ही होता है। हाँ, अगस्त के जागरण होता है। हाँ, और भंडारा होता है। तो बहुत बढ़िया मंदिर है इस इलाके में, शीतला माता का मंदिर है, इसे दर्शन सर करना है तो आप कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि हमेशा खुला रहता है, ऐसी बात नहीं कि हाँ भाई समय है जैसे अब 4 बजे 12 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाता है। हाँ हाँ, 3:30-4 बजे खुल जाता है। अच्छा, कब जाती हैं? 7:30। चलिए हम आएंगे तो घिसते हुए चले जाएंगे 7:30-8 बजे। हाँ, यहाँ देखेंगे तो 2-4 गाना बजाना होगा रोज डेली, नहीं तो हम आएंगे तो घिसते हुए चले जाएंगे उससे। यही है आपका अभी सौरभ जी जो है यहाँ ये लगवा दिए थे। किस चीज का पेड़ है ये? तो मदार का। मदार का, मदार तो इस तरह कुछ काम में आता है कि नहीं आता है? मदार का औषधि औषधि काम में आता है? नहीं नहीं, तो फुलवा जो है फूलता है तो भोलेनाथ को चढ़ता है ना मदार का फूल। अच्छा, हाँ भोलेनाथ को चढ़ता है, सही कह रहे हैं। औषधि के रूप में भी काम में आता है? औषधि में भी आता है। अच्छा, यहाँ की स्थिति यह 4-5 महीने से ज़्यादा भी हुई। हाँ, ये क्योंकि बरसात वजह से नहीं तो ये बहुत क्लियर। अच्छा, क्लियर रहता था एकदम साफ सुथरा। अच्छा, इधर पूरी गली देख रहे हैं जाम, स्थिति बहुत नाजुक है। हाँ, सीवर की भंडारा में आए भी हैं। हाँ, तो आए हैं तब तुम तो जानेंगे, बातचीत होगा हमसे ना। हाँ, बातचीत करेंगे, जानते भी हैं भंडारा में।
एक दो बार आए हैं। अब बताइए धनी, इस सब मंदिर के सामने ये सब क्या कहा जाए, बड़ा बहुत बहुत गंदगी है कि देखिए यहाँ कितना लगा हुआ। दुख होता है कि बारे शासन प्रशासन भाई बाहर के लोग आके बस गए बहुत ज्यादा। हाँ, अब यहाँ के लोग अपना बेच बाज के लम्बे हो गए। अब हम लोग का तो जगह जमीन जिसे अपना पुश्तैनी है। हाँ भाई, अब इतना जमीन खरीद कौन पाएगा, नहीं खरीद पाएगा ये, मतलब कि इधर इधर अपना जमीनिया है जो पानी भरा हुआ है। अच्छा, ये वाला जो बाउंड्री घेरे उसके उधर गढ़ी है पूरा। अच्छा, इधर गढ़ी वो तो केपीटी का है, मान लीजिए कमल त्रिपाठी का। इधर हमारे चचा का है। अच्छा, ये वाला जो जो मतलब कि सेट जो लगा झाड़ी है। अच्छा, झाड़ी है तो कौन सा चाचा जी है, नाम क्या है उनका? वो है उस पार रहते हैं। अच्छा, तो अच्छा इधर मतलब त्रिलोचन का भी जमीन था। हाँ, वो कहा है कोनो मकान। अच्छा, लोग इधर नहीं उसी साइड इधर। अच्छा, तो तुम भैया ये दोस्तों देखिए यहाँ पर बत्तख तक तैर भी रहा है। और ये गढ़ई है, ये मतलब कि रेलवे स्टेशन रेलवे पास है जो है, ये मतलब बत्तख तक तैर रहा, कितना बढ़िया लग रहा है। कितना अच्छा बत्तख तैर रहा है दोस्तों, जैसा देख रहे हैं आप लोग, और बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। ये मतलब कि तालाब के किनारे इतना बढ़िया बत्तख लगा तैर रहा है, और अच्छा भी लग रहा है देखने में दोस्तों। इसमें क्या क्या बोए हैं बाबा? इसमें ये है पुदीना है। अच्छा, मेथी है। हाँ, पालक है। तो ये सब मतलब जैसे कि ये सब बोते होते हैं तो मतलब कि ये बेचते उचते नहीं ना है? हाँ, बेचने के थे तो। हाँ, इतना कौन खाएगा? मतलब यहाँ पर रह के भी आप मतलब कितना अच्छा काम किए हैं, बहुत कितने लालच में कितने लोग अपना सब जमीन खा पी के बेच बच के खाई गए तब तक। अब आज रहता तो सब खुशहाल रहते, लड़की की शादी करने में बेच दिए तो, कोई ऐसे घूमने में बेच दिए, कुछ लोग अपना शान शौकत झूठा शान शौकत बनाने चक्कर में कितने बेच दिए लोग। अच्छा, तो सीता जी का मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है, लेकिन रास्ता बहुत बेकार है यहाँ का। हाँ, बराबर आदमी आएंगे जाएंगे तो मतलब 7 बजे यहाँ प्रोग्राम होता है। सात साढ़े 7:30 बजे आरती होगा, इसके बाद दो चार गाना बजाना होगा 9 बजे तक। अच्छा, तो ये रास्ता जो है फाटक पर चला जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये समय जो अगर हो जाए ना दो तीन महीना के अंदर तो बहुत बढ़िया हो जाए। अंडर वाला पास फल ना? नहीं। अच्छा, वो चढ़ के जाए जिनको पहले फल है।
यह है दोस्तों मरवाड़ी फाटक। और इसके बाद मैं दोस्तों करीब रात को 8 बजे घर वापस आया। जाड़ा तो कुछ ज़्यादा ही पड़ रहा था दोस्तों, अतः हमने अंगीठी जलाई और तापा। ये खोए का पूड़ी है जैसे दोस्तों, जैसे तेरंग खोए का पूड़ी है ये, और जाड़े में बहुत ज़्यादा हम लोग खाते हैं, बढ़िया बढ़िया भी लगता है खाने में। और ये सब्जी है आलू मटर टमाटर की, और बहुत बढ़िया है दोस्तों। चलिए खाते हैं खोए की पूड़ी, आप लोग भी खाइए दोस्तों, बहुत मस्त लगता है खाने में। ये खोए की पूड़ी है दोस्तों, और आलू टमाटर के साथ खाइए। और इसी के साथ धर्मराज ब्लॉग को मैं समाप्त करता हूँ। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ दोस्तों। तब तक के लिए शुभ रात्रि, टाटा, गुड नाइट।